TAG TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. TAG TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khush aamdeed. कोई उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ, आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। जब तक इंशाल्लाह उनको आजादी नहीं मिलेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा सना कादिर, कौकब फारूकी, नरजी जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। चुनिया ज्याति केस, अहम पेशरफ्त का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। सिंध हुकूमत का सफाई मिशन जारी, वजीर आला सिंध का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख ने सफाई मुहिम को ड्रामा करार दे दिया। गिलगित के इलाके बाबूसर टॉप के करीब मुसाफिर कोच हादसा, 26 मुसाफिर जहां बहाक, 15 शदीद जख्मी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोटी 12 रुपए की हो गई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once, do it right. एरिया इनक्लेव के एन वस्त में मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी, मरगला के पहाड़ों के हसीन व्यू लिए वर्ल्ड क्लास बेहतरीन फैसिलिटीज और एमिनिटीज के साथ 2 और 3 बेडरूम के सुपर लग्जरी लाइफस्टाइल अपार्टमेंट और शॉपिंग मॉल, हर अपार्टमेंट विला जैसा रोशन और कुशादा। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानी बहनों और भाइयों के लिए ला रहा हूँ एक शानदार प्रोजेक्ट, मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी। तफसीलात के लिए राबता कीजिए शराज बदर 519-807-8771। ईमेल कीजिए shiraz@propertybrothers.com। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा से अपनी सेहत को ठीक रखने या किसी भी पुरानी बीमारी या रोग के बारे सलाह लें। 416-804-1500, 416-804-1500, 2250 बुवेट ड्राइव ईस्ट, यूनिट 601, ब्रैम्पटन। आयुर्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन मेडिकल सिस्टम है। घुटनों का दर्द यानी आर्थराइटिस, डायबिटीज, कोलाइटिस या फिर त्वचा के रोग जैसे सफेद दाग यानी वटीलेगो, सोराइसिस, एक्जिमा आदि का आयुर्वेद में कैसे होता है इलाज, देखें कनाडा के जाने माने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा के साथ। हेल्थ जरूरी है। वैद्य हरीश वर्मा के शो हेल्थ जरूरी है को टीवी चैनलों और यूट्यूब पर देखें और उनसे राब्ता करें 416-804-1500, 416-804-1500। बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम इमरान खान इन दिनों अमेरिका के दौरे पर मौजूद हैं, जहां वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं और 27 सितंबर को अक्वामी मुत्तहदा की जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान इन दिनों अमरीका के दौरे पर मौजूद हैं, जहां वो सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं
और 27 सितंबर को अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली इजलास से खिताब करेंगे। वजीर आजम इमरान खान से न्यूयॉर्क में एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल कौमी नाडो ने मुलाकात की, जिसमें 5 अगस्त के बाद से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वजीर आजम ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालिया वाकियात और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को बैन अल-अक़वामी सतह पर उजागर करने में एमनेस्टी इंटरनेशनल के किरदार को सराहा। वजीर आजम ने कश्मीरी नौजवानों पर भारतीय फौज की पैलेट गनों के इस्तेमाल के तबाकुन असरात पर एमनेस्टी की रिपोर्ट को सराहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल ने वजीर आजम को भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की तंजीमों की आवाम तक रसाई और उनके काम में डाली जाने वाली रुकावटों से आगाह किया। कौमी नाडू ने कश्मीर को बोलने दो मुहिम के तहत एमनेस्टी इंटरनेशनल के इकदाम और माहौलियात के लिए एमनेस्टी के काम से आगाह किया। वजीर आजम इमरान खान से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी जलमे खलीलजाद ने भी मुलाकात की, जिसमें अफगान अमन अमल और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम से जलमे खलीलजाद की मुलाकात 40 मिनट जारी रही, जबकि मुलाकात में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, मलिया लोधी और नईम उलहक समेत दीगर भी शरीक थे। जराए के मुताबिक जलमे खलीलजाद ने वजीर आजम को सदर ट्रंप से मुजवजा मुलाकात से मुतालिक पैगाम भी पहुँचाया। खबर शामिल करेंगे चुनिया से। चुनिया ज्यादती केसेस में तहकीकात के लिए पुलिस ने जियो फेंसिंग का अमल मुकम्मल कर लिया है, जिसके नतीजे में बड़ी पेशरफ का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। चुनिया में ज्यादती केसेस में तहकीकात के लिए पुलिस ने जियो फेंसिंग का अमल मुकम्मल कर लिया है, जिसके नतीजे में बड़ी पेशरफ का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कसूर के इलाके चुनिया में बच्चों के अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल में मुलविस मुलजिम की गिरफ्तारी से मुतालिक कोई पेशरफ नहीं हो सकी, तहम जियो फेंसिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि इलाके में जियो फेंसिंग से मशकूक कॉल्स को ट्रेस किया जाएगा। जिस जगह से बच्चों की लाशें मिली हैं वो वीरान जगह है। जियो फेंसिंग के अगर वहाँ किसी ऐसे फ़ोन नंबर का पता चलता है जिसे वहाँ कॉल मौसूल हुई या मैसेज आया, तो वो तहकीकात के दायरे में आ सकता है। जियो फेंसिंग के साथ साथ ज्यादती के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान से भी तहकीकात की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस बात का इम्कान कम है कि मुलजिम किसी दूसरे इलाके से आया, कभी इम्कान है कि मुलजिम इसी इलाके से ताल्लुक रखता है और बच्चों को जानता है। गुज़िश्ता चंद दिनों से इलाके से गायब अफराद को भी ट्रेस किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, मौलाना फजल रहमान ने मॉडल टाउन लाहौर में शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसके दौरान आजादी मार्च समेत मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली में कायद हिजब इख्तलाफ मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ से JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने लाहौर में मुलाकात की है। मौलाना फजल रहमान ने मॉडल टाउन लाहौर में शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसके दौरान आज़ादी मार्च समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में JUIFA के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और मौलाना अमजद खान, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से एहसन इकबाल, अयास सादिक, राना तनवीर और मरियम औरंगजेब शरीक थी। जराए के मुताबिक दोनों जमातों के रहनुमाओं ने आज़ादी मार्च और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मौलाना फजल रहमान ने चंद रोज़ कबल भी मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी, जिसके बाद दोनों जमातों ने मिलकर आज़ादी मार्च की तारीख तय करने का ऐलान किया था। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सफाई मुहिम के दौरान ताबड़तोड़ दौरे जारी है। सुबह सवेरे वजीर आला हाउस से मुराद अली शाह निकले और लियारी पहुंचे, शहरियों से मुलाकातें की और मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत का सफाई मिशन जारी। वजीर आला सिंध ने दूसरे रोज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मुराद अली शाह कहते हैं जो काम बल्दियाती इदारों को करना था वो सिंध हुकूमत कर रही है। मुराद अली शाह ने मुखालिफीन पर सेवरेज लाइनें ब्लॉक करने का इल्जाम भी आयद किया। वजीर आला की सफाई मुहिम के दौरान दूसरे रोज भी ताबड़तोड़ दौरे जारी रहे। सुबह सवेरे वजीर आला हाउस से मुराद अली शाह निकले और लियारी पहुंचे, शहरों से मुलाकातें की और मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। लियारी में DIG CIA के दफ्तर के बाहर मौजूद कचरे पर वजीर आला ने बरहमी का इजहार किया और हुकाम को फौरी कचरा उठाने की हिदायत की। मुराद अली शाह ने मच्छर कॉलोनी, हॉक्स बे रोड और मुशरफ कॉलोनी का दौरा भी किया, सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। भैंस कॉलोनी पहुंचने पर जियालों ने वजीर आला का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह का कहना था इदारों का काम हमें करना पड़ रहा है। मुराद अली शाह ने मुखालिफीन पर सेवरेज लाइनों में पत्थर फेंकने का इल्जाम भी आयद किया। मुराद अली शाह का कहना
कहना था कि कराची को साफ सुथरा करके मुतल्लिका डीएमसीज के हवाले करेंगे। वजीर आला के दौरे के मौके पर सूबाई वज़रा भी उनके हमराह थे। खबर शामिल करेंगे, तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने सूबाई हुकूमत की सफाई मुहिम पर तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आला पहले अपनी काबीना से कचरा साफ करें। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने सूबाई हुकूमत की सफाई मुहिम पर तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आला पहले अपनी काबीना से कचरा साफ करें। इंसाफ हाउस कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सिंध असेंबली में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख ने सफाई मुहिम को ड्रामा करार दे दिया। उनका कहना था कि मुराद अली शाह पहले ब्लू टोपी पहनकर निकले थे, अब लाल शर्ट पहनकर ड्रामा कर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे मिशन कश्मीर पर निकले हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा, वजीर आला पहले बताएं कि 11 साल से कचरा क्यों नहीं उठाया। एक सवाल के जवाब में पीटीआई रहनुमा का कहना था कि इस साल 1,35,000 अफराद को कुत्तों ने काटा है, जबकि महकमा सेहत में पिछले साल 22 अरब की करप्शन हुई है। हलीम आदिल शेख ने सूबाई बुजुर्ग को भी करप्ट करार दिया और शर्जील मेमन समेत मुर्तजा वहाब को भी आड़े हाथों लिया। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि पीपल्स पार्टी नैब से खौफजदा है। गिलगित से खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं गिलगित के इलाके बाबूसर टॉप के करीब मुसाफिर कोच हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 26 मुसाफिर जहां बहक हुए, जिनमें पाक फौज के 10 जवान भी शामिल हैं, जबकि 15 शदीद जख्मी हुए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। गिलगित के इलाके बाबूसर टॉप के करीब मुसाफिर कोच हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 26 मुसाफिर जहां बहक हुए, जिनमें पाक फौज के 10 जवान भी शामिल हैं, जबकि 15 शदीद जख्मी हो गए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक के मुताबिक जिला दियामिर में बाबूसर टॉप के करीब स्कर्दू से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर कोच हादसे का शिकार हो गई। हादसा बाबूसर टॉप गटीदास के मुकाम पर पेश आया, जिसके नतीजे में 15 अफराद शदीद जख्मी हुए। मुकामी पुलिस के मुताबिक मुसाफिर कोच सड़क किनारे पहाड़ से टकरा गई थी। जराए के मुताबिक जाए हादसा दूर दराज इलाके में होने के सबब इमदादी कार्रवाईयों में मुश्किल का सामना है। हादसे के बाद लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल चिल्लास मुंतकिल कर दिया गया, जहां इमरजेंसी नाफिस कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे से ज्यादातर अफराद का ताल्लुक स्कर्दू से है। हादसे में जान बहक होने वाले 10 अफराद की शनाख्त मोहम्मद अली, फिदा हुसैन, नकीब, हसीना, उस्मान, ड्राइवर मोहम्मद यूनस, यास्मीन, इमरान, शकील और हुसैन के नामों की शनाख्त हो गई है, जबकि बाकी अफराद की शनाख्त का अमल अभी जारी है। डिप्टी कमिश्नर अमीर आजम हमजा के मुताबिक फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल एहसान महमूद की हिदायत पर लाशों को हेलीकॉप्टर के जरिए स्कर्दू और जख्मियों को गिलगित मुंतकिल कर दिया गया। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम के मुंह से रोटी का निवाला भी छीन लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नानबाइयों ने रोटी की कीमत 12 रुपए मुकर्रर कर दी। मजीद जानते हैं एहतिशाम राणा की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, दीगर अशिया खुर्दनोश की तरह रोटी की कीमत में भी इजाफा हो गया है। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम के मुंह से रोटी का निवाला भी छीन लिया। जूं जूं महंगाई बढ़ती जा रही है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नान भाइयों ने रोटी की कीमत 12 रुपए मुकर्रर कर दी है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का कहना है कि तब्दीली सरकार ने उनसे दो वक्त की रोटी भी छीन ली है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के बजाय आम आदमी का गुजर बसर भी मुश्किल कर रही है। ज़राए ब्लॉग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगु करते हुए एक शहरी कामरान का कहना था कि नई हुकूमत तो आई है, ताहम महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रही, आवाम के लिए दो वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। महंगा करने में होटल का कोई कसूर नहीं है, इसमें आटा इतना महंगा हो गया, गैस के बिल इतने आ रहे हैं, हम अपने घर के अखराज पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब हम होटल वाले लड़ाई झगड़े करते हैं तो ये बेचारे ये कहते हैं कि गैस का बिल देखो कितना आ रहा है, आटा इतना महंगा हो गया। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। नई हुकूमत आई ज़रूर है, लेकिन अभी तक महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाई है। महंगाई के लिए पहले सोचना चाहिए, इनको बाकी काम बाद में। गरीब आदमी जो है ना, ये 12 रुपए की रोटी अफोर्ड नहीं कर सकता। 2 रुपए रोटी और बढ़ाएगा तो ये खाना छोड़ देंगे हम। हाँ, आखिरी हाल यही होगा कि खाना छोड़ा, गरीब आदमी नहीं अफोर्ड करता। 600 रुपए मेरी दिहाड़ी है, मैं 150 रुपए खाना खाऊंगा तो मैं कहाँ से अफोर्ड करूंगा इसको। किराया है, घर के खर्चे हैं, बहुत मुश्किल हो गया था। एक होटल के मालिक मोहम्मद उस्मान का ज़राए ब्लॉग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आटे की बोरी की कीमत में इजाफा हुआ है, जबकि हमने मजबूर होकर रोटी महंगी की है। आप लोगों को जैसे पता है कि रोटी की आटे की बोरी की कीमत में तकरीबन 300 से 400 रुपये इजाफा हो गया। इसकी वजह से मजबूर होकर इस महीने जो है हमने लोगों ने रोटी की कीमत में 2 रुपये इजाफा किया। गरीब आदमी के ऊपर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कि जब बाकी पीछे से चीज़ ही इतनी महंगी आ रही हो तो फिर क्या किया जाए। इसके अलावा तो कोई हल ही नहीं है।
اور یہ بھی باقی ساری جگہوں پہ تو تقریباً 3 سے 4 مہینے ہو کر ریٹ بڑھ چکے ہیں، 12 روپے کی ہو چکی تھی، ہم لوگ 10 کی چلا رہے تھے، لیکن اس مہینے مجبور ہو کے ہم لوگوں نے 2 روپے مہنگی کی ہے۔ یہ جو مہنگائی کا جو گرم مسالہ اور جو باقی چیزیں مہنگی ہیں، تو مجبور ہو کے گیس کا بل ہے اتنا آ رہا ہے، لوگ مجبور ہو کے کیا کریں، تو مجبوری ہے، بڑھانا تو پڑے گا۔ ٹیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرام پاکستان، بریکنگ نیوز، ویوز اینڈ ہیڈ لائنز فرام پاکستان۔ ٹیگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارے کچھ قانون ساز ای سی ایل سے خوف زدہ اور بیرون ملک جانے کے لیے بے چین کیوں ہیں؟ کی ریاست پاکستان کو طاقتور اور اداروں کو مضبوط بنانا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے 6 ماہ میں مرغی اور انڈے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے، کہ بجٹ نہیں بلکہ صنعتی پیدوار بڑھانے کا پیکج دے رہا ہوں۔ ثنا قادری، کوکب فاروقی، ذوالفقار، شکیل، ٹیک ٹی وی پاکستان۔